हाय दोस्तों, नमस्कार। हाईपार टेक्नो यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त पिंटू बुकरा। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है दोस्तों, जो लोग अपने डाटा जो है म्यूजिक फोटो या फिर वीडियो रिकवर करना चाहते हैं अपने फ़ोन में जो कि पहले से डिलीट हो चुका है, उनके लिए वो बहुत ही एक सिंपल तरीका जो कि न्यू मेथड है। तो उस मेथड को मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से एक छोटा सा एप्लीकेशन है, ज़्यादा नहीं है, कुछ 17-18 MB का एक एप्लीकेशन ऐप्स में आपको मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन में। तो उस एप्लीकेशन का आइकन कुछ इस तरह का होगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको थोड़ा दिखा दूं। तो ये है हमारा एप्लीकेशन का आइकन, कुछ इस तरह से का होगा इसका, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो सीधा आप डायरेक्टली रिकवर कर सकते हैं, लेकिन रिकवर करने की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि ये किस किस डाटा को जो है रिकवर कर सकता है और कितना डाटा जो है रिकवर कर सकता है ये एप्लीकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि दोस्तों ये ऐप जो है आपका 5 GB तक का डाटा जो है रिकवर कर सकता है, उससे ज़्यादा फाइल साइज का डेटा जो है ये रिकवर नहीं कर सकता। तो अगर आपके फ़ोन में अगर 20-30 GB का डाटा है और डिलीट हो जाता है तो वो डेटा तो आपको रिकवर करके दिखाएगा, लेकिन आपको वो रिकवर करके नहीं दिखाएगा, वो स्कैन करके आपको दिखा देगा, लेकिन आप सेव नहीं कर पाएंगे उसको, या फिर वो आपको स्कैन करते वक्त ही आपको दिखाएगा ही नहीं। तो इसका एक ये एक डिसएडवांटेज है। तो एक डिसएडवांटेज है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो आप पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैंने बताया था डिलीटेड डेटा कैसे रिकवर किया जाता है। तो आज भी वही टॉपिक है, लेकिन दूसरे अंदाज में और दूसरे तरीके से। ये वो थोड़ा दिक्कत वाला प्रोसेस था, ये सिंपल प्रोसेस है कि एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना होगा। तो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और आप और दोस्तों और एक बात बता दूं इस एप्लीकेशन के बारे में, ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में रिसाइकिल बिन की तरह भी काम करता है। मैं तो कहूँगा कि सबके फ़ोन में ये ऐप जो है इंस्टॉल होना चाहिए ताकि कोई भी डेटा जो है कभी डिलीट हो जाए तो आप आसानी से उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन हमारा कुछ, आप चाहें तो यहाँ पर सेटिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर रिसाइकिल बिन दिया है। तो जो भी फ़ोन आप जो भी डिलीट होगा आपके फ़ोन में जो भी इमेज या वीडियो डिलीट होगा, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं। ये इसका होम पेज है दोस्तों। तो इस ऐप को खोलने के बाद इस सेटिंग डीप स्कैन प्लस रिसाइकिल बिन, तीन ऑप्शन आपको मिलता है। तो रिसाइकिल बिन का तो यूज आप अगर आप कंप्यूटर कभी यूज़ किए हैं या फिर यूज करते हैं तो आपको तो रिसाइकिल बिन क्या है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो जो भी डेटा डिलीट हुआ है उसको यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। कैसे रिकवर करना है मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए मैं पहले आपको रिसाइकिल बिन से डेटा जो है जो डिलीट किया जाता है और वो आकर आपके रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है, उसको कैसे रिकवर करना है मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ डीप स्कैन मैंने और यहाँ सेटिंग, तो हम पहले रिसाइकिल बिन का करेंगे। तो यहाँ रिसाइकिल बिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इमेज आपको रिकवर करना है उसको टच कर लेने का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिस्टोर में जो है आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन, उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो है रिस्टोर्ड वन आइटम ये दिखा रहा है और यहाँ से वो फाइल जो है गायब हो चुका है, क्योंकि वो हमारे फ़ोन में जाके सेव हो चुका है या फिर हमारे गैलरी में सेव हो चुका है, ठीक है। तो अब हम सेटिंग में थोड़ा जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हमें रिसाइकिल बिन का सेटिंग जो है थोड़ा चेक कर लेंगे। यहाँ पर रिसाइकिल बिन में ये नीचे वाला ही आपको डिसेबल कर के रखना है और बाकी सब आपको इनेबल ही रखना होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं बैक चला जाता हूँ और सेटिंग में कुछ ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। आप अगर चाहें तो क्लाउड स्टोरेज
का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीमियम वर्सन के लिए ही देता है। तो ये प्रीमियम वर्सन नहीं है, ये डेमो वर्सन ही है एप्लीकेशन है। तो इसमें अगर आपका डाटा जो है, चलिए मैं इसको ये क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताता हूँ थोड़ा कि ये इस ऐप में क्या कर रहा है। ये तो ये स्कैन करता है आपके फाइल्स को, ठीक है। अगर 5 GB, जैसा कि मैंने बताया ये डेमो वर्सन है, 5 GB से ज़्यादा डेटा ये शो नहीं करता है, तो अपने स्टोरेज में वो सेव करके नहीं रख पाता है। तो बाकी प्रीमियम वर्सन अगर आप लेंगे तो एक क्लाउड स्टोरेज आपको मिल जाएगा, और क्लाउड स्टोरेज जब 5 GB से ज़्यादा डेटा हो जाएगा तो उसको वो क्लाउड स्टोरेज में सेव कर देगा। मतलब 5 GB से जितना भी ज़्यादा डाटा होगा वो आपको क्लाउड स्टोरेज में सेव करके दे देगा, और बाद में आप जब भी चाहें उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी लेना नहीं है इसका प्रीमियम वर्जन, ठीक है। तो हम डेमो वर्जन में ही काम चलाएंगे, तो 5 GB डेटा हमारे लिए बहुत होता है। तो ठीक है, अगर चाहें तो आपको प्रीमियम वर्जन भी मिल जाएगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आप डीप स्कैन में जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर डीप स्कैन में क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ, इमेज, वीडियोस, ऑडियो। तो अगर चाहें आप तो जो भी डिलीट हुआ हो, ठीक है, जो भी इमेज डिलीट हुआ हो वो यहाँ पर स्कैन करने के बाद जो है, यहाँ पर डीप स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर आपको ऑडियो वीडियो जो भी चाहिए डेटा वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा और आपको सर्च कर लेना होगा। अगर चाहें तो आप एक एक करके आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर सारा इमेज या फिर सारा कंटेंट अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ये एरो मार्क जो दिया है राइट टॉप कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर देना होगा तो आपका जो है रिस्टोर हो जाएगा। तो चलिए मैं कोई एक रिस्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, कोई कोई इमेज। चलिए ये बिल्ली वाला इमेज, अगर आप चाहिए किसी एक इमेज को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप उस इमेज को ओपन कर लीजिए इस तरह, ठीक है, टच करके, और उसके बाद यहाँ पर रिस्टोर पे क्लिक कर दीजिए। ये रिस्टोर हो गया, हमारा गैलरी में जाके सेव हो गया। अगर वीडियो चाहें तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, और वीडियोस भी जितने भी हमारे फोन या SD कार्ड में से डिलीट हुआ है, जितने भी फोटोज वीडियोस सारे के सारे यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, इसको भी इसी तरह से आप रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं अपने फोन में बिना किसी भी। दोस्तों ये प्रोसेस जो है पूरा बिना बैकअप के ये रन करता है, ठीक है। तो आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि कई भाइयों ने बोला कि भाई वीडियो रिकवर कैसे करना है फोन में, और इमेज कैसे रिकवर करना है, ऑडियो कैसे रिकवर करना है। तो ये हमारा हो गया इमेज का रिकवरी प्लस वीडियो का रिकवरी। और दोस्तों बता दूं कि ये बिना बैकअप के ये रन कर रहा है दोस्तों, आसानी से आपको रिकवर करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं ऑडियो में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी ऑडियो डिलीट हुआ है सारा का सारा ऑडियो यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है। आप चाहें तो एक एक करके यहाँ पर सिलेक्ट करके, यहाँ पर मुझे चालू नहीं करना था, ये प्ले नहीं करना था इस म्यूजिक को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके आप रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ऑडियो वीडियो प्लस इमेज, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने डेटा को है जो है बिना अपने फोन को रूट के, बिना कंप्यूटर के मदद से आप आसानी से आपके डेटा जो है रिकवर कर सकते हैं इस ऐप के मदद से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी थोड़ा सा दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।